हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगर। जैसा कि बेटा आपको पता है, हमने आर्टिकल के जितने भी प्रकार के यूज होते हैं लगभग 35 रूल्स मैंने बताए थे जहां पर कि दे का यूज किया जाता है। और आज के इस वीडियो में बेटा हम ऐसी कुछ सिचुएशंस के बारे में पढ़ेंगे जहां पर हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। यदि बेटा आपने वहां पर आर्टिकल का मतलब है जैसे ए एन और दे में से किसी का भी प्रयोग कर दिया बेटा, तो वो सेंटेंस कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। तो बेटा मैं आपके सामने कुछ ऐसे सिचुएशंस लेके आया हूँ जहां पर कि हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। और जिस तरह से बेटा आपने आर्टिकल के यूज के बारे में बड़ी सिंसियरली से पढ़ा था, आज भी बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी बड़ी सिंसियरली से पढ़ेंगे और जो भी चीजें या जो भी रूल्स आपको बताए गए हैं उनको अच्छी तरह से मेमोराइज करेंगे, ताकि बेटा आगे जाकर आपको किसी भी तरह के एग्जाम में, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। तो बेटा रूल नंबर 1 हमें ये कहता है कि हमें कभी भी लैंग्वेज के नाम से पहले दे का यूज नहीं करना चाहिए। आप इसमें एग्जांपल के थ्रू समझिए बेटा। फर्स्ट एग्जांपल है द इंडियन स्पीक द हिंदी। तो बेटा यहाँ पर जो हिंदी है वो लैंग्वेज का नाम है और हिंदी से पहले मैंने दे का यूज कर दिया, इसलिए बेटा ये पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो गया। ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, द इंडियन स्पीक हिंदी। लेकिन बेटा आपको ध्यान रखना है कि यदि मान लीजिए कोई भी लैंग्वेज आती है और उस लैंग्वेज के बाद में एक वर्ड, ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ है ना, ये शब्द लिखा हुआ आए, तो बेटा आपको उस लैंग्वेज के नाम से पहले दे का यूज जरूर करना होगा। जैसे एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिखा है आई स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। तो बेटा इस सेंटेंस में इंग्लिश तो एक लैंग्वेज का नाम है, लेकिन इस इंग्लिश के बाद में बेटा लैंग्वेज और लिखा हुआ आ गया, इसलिए हमें यहाँ पे इंग्लिश से पहले दे का यूज करना चाहिए था। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होता, आई स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज। और बेटा मैंने आपकी स्क्रीन के दाईं तरफ में कुछ लैंग्वेज के नाम भी लिखे हैं। वैसे तो बेटा पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन बेटा मैंने कुछ टॉप लैंग्वेजेस का नाम यहाँ पे लिखा है, जैसे स्पेनिश, इंग्लिश, हिंदी, अरेबिक, पुर्तगाली। बेटा पुर्तगाली की स्पेलिंग ये होती है PORTUGUESE, पुर्तगीज बोलते हैं इसको, है ना। रशियन, जापानीज, जर्मन, कोरियन, फ्रेंच, तेलुगू। तो बेटा ये कुछ लैंग्वेज के एग्जाम्पल थे। और वैसे भी बेटा आपको बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं उनके नाम तो याद रहने ही चाहिए। यदि आपको लैंग्वेज का ही नाम याद नहीं रहेगा तो बेटा फिर उससे पहले आपको ये थोड़ी पता रहेगा कि भाई हमें दे का यूज करना है या नहीं करना। ठीक इसी तरह से रूल नंबर 2 हमें ये कहता है बेटा कि किसी भी तरह का यदि कोई प्रॉपर नाउन आता है तो उससे पहले भी हमें किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, चाहे वो ए हो, एन हो या फिर दे हो। जैसे एग्जांपल में मैंने यहाँ पे लिखा है शाहपुरा इज सिचुएटेड इन द जयपुर डिस्ट्रिक्ट। तो बेटा यहाँ पे हिंदी अर्थ होगा इसका कुछ इस तरह से कि शाहपुरा जो है वो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो बेटा यहाँ पे जयपुर क्या है, एक प्रॉपर नाउन है, शाहपुरा भी प्रॉपर नाउन है, लेकिन बेटा शाहपुरा से पहले तो मैंने वैसे भी आर्टिकल का यूज नहीं किया है, लेकिन मैंने क्या किया, जो जयपुर एक विशेष नाम है, प्रॉपर नाउन है, उससे पहले बेटा मैंने दे का यूज कर दिया और इस वजह से ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया। ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, शाहपुरा इज सिचुएटेड इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट। लेकिन फिर से बेटा आपको नोट का हमेशा याद रखना है कि यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग विशेष अर्थ में होता है ना, तो बेटा आपको उससे पहले दे का यूज करना ही होगा। अभी विशेष रूप से प्रयोग कैसे होते हैं, चलो इसको भी समझ लेते हैं। फर्स्ट में लिखा है द शाहपुरा ऑफ भीलवाड़ा इज वेरी डेंजरियस टुडे, कि भीलवाड़ा जो जिला है उसका जो शाहपुरा एरिया है वो आजकल बहुत ही खतरनाक है बेटा। तो बेटा यहाँ पर शाहपुरा लिखा है जबकि ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी शाहपुरा लिखा हुआ था। तो बेटा इसमें जो शाहपुरा का यूज किया गया है ना, वो शाहपुरा बेटा भीलवाड़ा जिले का है और बेटा यहाँ पर किसी अन्य शाहपुरा के बारे में बात नहीं की जा रही है। शाहपुरा वो शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा जिले में है। तो इसलिए बेटा यहाँ पर जो शाहपुरा शब्द आ रहा है ना बेटा, ये एक विशेष अर्थ में आ रहा है। और हाँ बेटा, यदि आपने प्रॉपर नाउन के बारे में अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है या फिर आपको ये जानना है कि वास्तव में प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, तो बेटा मैं इस वीडियो के लास्ट में जो एंड स्क्रीन आएगी वहां पर बेटा मैं प्रॉपर नाउन के बारे में जो पोस्ट है वो कर दूंगा। आप वीडियो के अंत में उसको भली भांति देख भी सकते हैं और चीजों को समझ भी सकते हैं। और हाँ बेटा, ये जो प्रॉपर नाउन है उसको मैंने विस्तार से इनके रूल्स, एरर्स और स्पॉटिंग एरर्स वगैरह सब चीजें मैंने डिटेल से बता रखी हैं। आप प्रॉपर नाउन के बारे में जो वीडियो है वो जरूर देखिएगा वीडियो के अंत में। ठीक इसी तरह से बेटा रूल नंबर 3 हमें ये कहता है कि जो सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं ना, उनसे पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे लिखा है मैथ्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट।
तो बेटा यहाँ पर जो मैथ्स है वो क्या है बेटा, एक सब्जेक्ट का नाम है, और इसलिए मैंने यहाँ पे किसी भी प्रकार के आर्टिकल का, चाहे वो ए हो या एन हो या द हो, मैंने यहाँ पर प्रयोग नहीं किया है। लेकिन बेटा आपको एक विशेष बात के बारे में ध्यान रखना होगा कि यदि सब्जेक्ट का प्रयोग विशेष अर्थ में हो तो बेटा इससे पहले हमें आर्टिकल के रूप में द का यूज करना ही होगा। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे है, हिंदी ऑफ राहुल इज फैबुलस, कि जो राहुल की हिंदी है वो बड़ी शानदार है। बेटा यहाँ पर जो हिंदी है ना वो एक सब्जेक्ट का नाम है, लेकिन बेटा यहाँ पर जो हिंदी है वो किसी विशेष अर्थ में प्रयोग की जा रही है। हम यहाँ पर केवल जनरल हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केवल राहुल की जो हिंदी नॉलेज है उसके बारे में। इसलिए बेटा यहाँ पर हिंदी जो है उसका प्रयोग विशेष अर्थ में, पर्टिकुलर सेंस में किया जा रहा है, इसलिए बेटा हिंदी से पहले द लगाना चाहिए था और मैंने यहाँ पर द नहीं लिखा, इसकी वजह से पूरा सेंटेंस बेटा क्या हो गया, गलत हो गया। तो सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, हिंदी ऑफ राहुल इज फैबुलस। अगर हम बात करें रूल नंबर 4 की, तो वो है बेटा कि मैटेरियल नाउन से पहले भी हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब मैटेरियल नाउन में अगर मैं आपको थोड़े से शब्दों में कहूं तो जो लिक्विड चीजें हैं, मेटल हैं और एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट होते हैं, तो बेटा इन तीनों चीजों को हम मैटेरियल नाउन कहते हैं। यदि आपको मैटेरियल नाउन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी है तो बेटा मैं इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन में मैटेरियल नाउन वाला जो वीडियो है वो पोस्ट कर दूंगा। आप वहां पर जाकर मैटेरियल नाउन के मीनिंग, इसके रूल्स, इनसे संबंधित जितने भी एरर्स हैं वो आप आसानी से देख सकते हैं बेटा। तो चलिए अब हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। फर्स्ट है बेटा, द गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल। तो बेटा जो गोल्ड है वो एक मेटल का नाम है, इसलिए ये मटेरियल नाउन हो गया। और मटेरियल नाउन से पहले कभी भी बेटा हमें द का यूज नहीं करना चाहिए। और मैं तो कहूंगा बेटा कि आप ए और एन का यूज भी न करें, मतलब ये है कि किसी भी आर्टिकल का प्रयोग मटेरियल नाउन से पहले नहीं करना है। सेकेंड है बेटा, राइस इज सोल्ड बाई किलो। तो बेटा ये सेंटेंस सही है, और वो क्यों सही है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे बेटा। और यहाँ पर भी बेटा वही एक विशेष अर्थ वाली बात आ गई कि यदि मैटेरियल नाउन का प्रयोग पर्टिकुलर सेंस में होता है या विशेष अर्थ में किया जाता है तो बेटा इससे पहले हमें द का प्रयोग करना ही होगा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई लाइक द टी ऑफ आसाम, मैं आसाम की चाय पसंद करता हूँ। तो बेटा जो टी है वो लिक्विड चीज है ना, तो लिक्विड चीज से पहले तो द का यूज नहीं होता है। लेकिन बेटा हम यहाँ पर चाय की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कौन सी चाय, आसाम वाली चाय, मतलब और किसी जगह की चाय नहीं। इसलिए बेटा जो चाय है इस शब्द का प्रयोग यहाँ पर विशेष अर्थ में हुआ है, और किसके अर्थ में हुआ है, आसाम की चाय के बारे में। इसलिए बेटा यहाँ पर टी से पहले मैंने द का यूज कर दिया है। आप ये मत समझना बेटा कि जो द का यूज है वो लिक्विड चीजों के नाम से पहले नहीं होता है, होता है बेटा, लेकिन कब होता है, जब हम उसका प्रयोग विशेष अर्थ में करें। ठीक इसी तरह से बेटा यदि आपको रूल नंबर 5 के बारे में बताऊं तो ये है बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। इसका मतलब ये है कि हम कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने यहाँ पर बेटा आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल लिख दिए हैं, जैसे डेथ, फ्रेंडशिप, गुडनेस, स्केर्सिटी, ब्रेवरी। तो ये कुछ एग्जांपल थे बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। यदि आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी लेनी है तो इससे संबंधित जो वीडियो है वो मैं आपको एंड स्क्रीन में पोस्ट कर दूंगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं बेटा। अभी आप समझिए एग्जांपल के रूप में, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो बेटा यहाँ पर ऑनेस्टी, क्योंकि इसके लास्ट में टी वाई आ रहा है ना, बेटा नॉर्मल क्या होता है 90% केसेस में जिन शब्दों के लास्ट में टी वाई आता है ना, तो वो बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो जो ऑनेस्टी है वो एक क्वालिटी को शो कर रहा है, इसलिए बेटा ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इस ऑनेस्टी से पहले मैंने द का यूज कर दिया, इसलिए बेटा ये गलत हो गया। फिर यहाँ पर भी बेटा वही नोट वाली बात आती है, विशेष अर्थ में यदि प्रयोग कर रहे हैं ना तो बेटा हमें ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द का यूज करना ही होगा। अब विशेष अर्थ को आप समझिए यहाँ पे, फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे है, द ब्यूटी ऑफ सरला इज वेरी अट्रैक्टिव। तो बेटा जो ब्यूटी है ना इसको हम जनरल वे में प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ये जो सुंदरता है वो किसके बारे में है, केवल सरला के बारे में। तो जो सरला की सुंदरता है वो बहुत ही आकर्षक है। तो बेटा यहाँ पर ब्यूटी जो वर्ड है वो सरला के लिए यूज हो रहा है विशेष अर्थ में, कि भाई किसकी सुंदरता, केवल सरला की जो सुंदरता है। इसलिए बेटा ये ब्यूटी जो एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इससे पहले बेटा मैंने द का यूज कर दिया क्योंकि ब्यूटी का यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेंस में प्रयोग किया जा रहा था। तो बेटा रूल नंबर 6 हमें ये कहता है कि यदि नाउन से पहले डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा है ना तो आप क्या करेंगे, ऐसे सिचुएशन में नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और बेटा बात करें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की, तो बेटा ईच, एवरी, आइदर और नाइदर, ये चार एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के हैं।
यदि आपको इनके बारे में कंप्लीट नॉलेज लेना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के मीनिंग, इनके एग्जाम्पल, इनके एरर्स वगैरह, इनके रूल्स वगैरह पढ़ने हैं, तो बेटा आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की जगह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को पढ़ सकते हैं बेटा। दोनों के जो रूल्स हैं सेम वही हैं, बस थोड़ा सा प्रयोग करने का अंतर है। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ये फ़र्क होता है कि एक प्रोनाउन है तो बेटा दूसरा एडजेक्टिव है। बाकी चाहे वो प्रोनाउन हो या फिर एडजेक्टिव हो, इनके जो रूल्स होंगे वो सेम ही होंगे। और बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का जो वीडियो है आपको आई बटन पर मिल जाएगा। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में कॉर्नर में आई बटन पर क्लिक करके और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ सकते हैं। वहां पर बेटा आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो समझ में आ जाएंगे। यहां तक कि बेटा उस वीडियो में मैंने आपको ईच एवरी का प्रयोग कहां होता है, किस सिचुएशन में करना पड़ता है, आइदर नाइदर का प्रयोग कब और कैसे किया जाता है, सारे रूल्स बता रखे हैं। तो बेटा अब बात करें इस रूल की, तो आप हमेशा ये ध्यान रखना कि यदि नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है, कौन सा एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो बेटा आपको ऐसे नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ईच अ गर्ल इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो बेटा देखिए यहाँ पे गर्ल है, एक नाउन है, और नाउन से पहले बेटा आपको पता है ईच एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया गया है, इसलिए बेटा आपको यहाँ पर नाउन से पहले ए का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, और आपने यहाँ पे इस सेंटेंस में ए का प्रयोग कर दिया, इसलिए बेटा ये पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो गया। तो बेटा ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, ईच गर्ल इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल को देखें तो यहाँ पे है बेटा, एवरी द रूम वॉज वेल डेकोरेटेड। तो बेटा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो रूम है एक नाउन है, नाउन से पहले डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। ऐसी स्थिति में बेटा हमें नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ पर भी बेटा मैंने द जो कि एक आर्टिकल है इसका प्रयोग कर दिया है, इस वजह से बेटा ये सेकेंड सेंटेंस गलत हो गया है। और सही सेंटेंस क्या होना चाहिए बेटा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि हम रूल नंबर 7 की बात करें तो रूल नंबर 7 हमें ये कहता है बेटा कि स्पोर्ट्स के नाम से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लिखा जाता है। मैंने यहाँ पर कुछ फेमस स्पोर्ट्स के नाम लिखे हैं, जैसे क्रिकेट, चेस, वॉलीबॉल, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल, तो ये क्या है बेटा, स्पोर्ट्स के नेम है। वैसे तो स्पोर्ट्स के बहुत सारे नेम होते हैं, आप जितने ज़्यादा स्पोर्ट्स के नेम याद रखोगे उतना बेटा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं बेटा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही प्लेज द क्रिकेट विद हिज ब्रदर। तो बेटा आप यहाँ पे देखिए क्रिकेट क्या है, स्पोर्ट्स का नेम है, और उससे पहले बेटा हमें द का यूज नहीं करना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट का प्रयोग जनरल सेंस में हो रहा है। लेकिन बेटा आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि यदि स्पोर्ट्स का प्रयोग विशेष अर्थ में हो रहा है तो बेटा उससे पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग करना ही होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, क्रिकेट ऑफ श्रीलंका इज नॉट गुड, कि श्रीलंका का जो क्रिकेट है वो अच्छा नहीं है। तो बेटा यहाँ पे देखिए हम एक जनरल क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं श्रीलंका के क्रिकेट के बारे में। तो यहाँ पर क्रिकेट जो स्पोर्ट्स का नेम है वो बेटा एक स्पेशल कंसर्न में यूज किया गया है, और स्पेशल किसके बारे में, श्रीलंका के क्रिकेट के बारे में। तो बेटा सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था, द क्रिकेट ऑफ श्रीलंका इज नॉट गुड। ठीक इसी तरह से बेटा रूल नंबर 8 की बात करें तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी आप मील दिन में लेते हैं या रात में लेते हैं उनके नाम से पहले भी बेटा हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ मील्स के नाम लिखे हैं, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सपर। तो बेटा ये सुपर नहीं है, ध्यान रखना ये है सपर। सपर का मतलब होता है रात्रिकालीन अंतिम भोजन। तो बेटा इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। माई मदर सेड, मेरी माता जी ने कहा, द ब्रेकफास्ट इज रेडी। तो बेटा यहाँ पर ब्रेकफास्ट क्या है, मील का नाम है, और उससे पहले हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग कर दिया तो बेटा ये सेंटेंस गलत हो गया। माफी चाहता हूँ बेटा, मैं यहाँ पर क्रॉस का साइन नहीं लगा पाया, लेकिन मैंने आपको ये चीज समझा दी है। यहाँ पर भी बेटा आपको नोट का विशेष ध्यान रखना है, और वो कुछ इस तरह से है बेटा कि यदि आपको किसी भी सेंटेंस में मील का नेम नजर आ जाए और उससे जस्ट पहले एडजेक्टिव का यूज हो रहा है ना, तो ऐसी स्थिति में बेटा हमें मील के नाम से पहले आर्टिकल के रूप में ए या एन में से किसी एक का प्रयोग करना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा कि यदि मील का प्रयोग विशेष अर्थ में किया जा रहा है तो बेटा मील से पहले हमें आर्टिकल के रूप में द का प्रयोग करना होगा, न कि ए या एन का। चलिए इसको भी एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा, ही गेव यू द गुड डिनर। तो बेटा आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि डिनर क्या है, मील का नाम है, इससे पहले एडजेक्टिव आ गया गुड। गुड क्या होता है बेटा, एडजेक्टिव होता है। आप चिंता न करें बेटा, जब भी हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे ना
तो आपको एडजेक्टिव के जितने भी सारे एग्जाम्पल हैं वो सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। एडजेक्टिव के बारे में आपको विस्तृत रूप से नॉलेज दिया जाएगा, जिस तरह से बेटा हम आज तक आपको हर टॉपिक के बारे में डिटेल से जानकारी दे रहे हैं, ठीक उसी तरह से एडजेक्टिव की बारी आएगी, तो बेटा एडजेक्टिव के बारे में भी आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। तो बेटा हम फर्स्ट सेंटेंस की बात करें तो डिनर क्या है बेटा, मील का नेम है। मील के नाम से पहले एडजेक्टिव का यूज हुआ है। यदि एडजेक्टिव मील के नाम से पहले आए तो बेटा आपको आवश्यकता अनुसार ए या एन का प्रयोग करने के लिए कहा था, जबकि मैंने यहाँ पे द का प्रयोग कर दिया तो बेटा ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है बेटा, द लंच ऑफर्ड बाय माय नीस वाज सो डिलीशियस, कि मेरी भतीजी के द्वारा जो मुझे लंच दिया गया था वो बहुत ही स्वादिष्ट था बेटा। तो यहाँ पर बेटा देखिए, लंच हम नॉर्मल लंच की बात नहीं कर रहे, हम ऐसे लंच की बात कर रहे हैं जो कि उसकी नीस के द्वारा या उसकी भतीजी के द्वारा उसे दिया गया था। तो यहाँ पर लंच का प्रयोग विशेष अर्थ में हो रहा है, इसलिए बेटा मैंने इससे पहले द का यूज कर दिया और ये सेंटेंस बेटा बिल्कुल करेक्ट है। रूल नंबर 9 हमें ये कहता है बेटा कि जो आपको ये नीचे चार शब्द दिख रहे हैं ना, तो इन शब्दों के बाद में भी आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। अब वो शब्द है बेटा टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ। तो ये जो चार शब्द मैंने लिखे हैं ना बेटा, इनके बाद में प्रयुक्त जो नाउन होगा उससे पहले हमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, ही डिड नॉट लाइक दैट टाइप ऑफ द मोबाइल, तो बेटा यहाँ पर टाइप ऑफ शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसके बाद आने वाला जो नाउन है उससे पहले हमने द का यूज कर दिया, इसलिए बेटा ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया। ठीक इसी तरह से बेटा हम रूल नंबर 10 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि जो त्यौहार होते हैं फेस्टिवल वगैरह और जो छुट्टियां होती है बेटा हॉलीडेज वगैरह, इनके नाम से पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है वी एंजॉयड द दिवाली, तो बेटा दिवाली एक फेस्टिवल का नाम है, इससे पहले हमें द का यूज नहीं करना चाहिए था, जबकि हमने यहाँ पे द का यूज कर दिया है बेटा, इसलिए ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया। यहाँ पे बेटा आपको विशेष चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप फेस्टिवल्स या किसी भी प्रकार का जो हॉलीडे है उसका प्रयोग विशेष अर्थ में करते हो तो बेटा आपको उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है क्रिसमस ऑफ लास्ट ईयर वाज प्लीजेंट फॉर मी, तो बेटा पिछले साल का जो क्रिसमस था वो मेरे लिए बहुत ही सुहावना बहुत ही अच्छा साबित हुआ। तो बेटा यहाँ पर हम क्रिसमस जनरल सेंस में बात नहीं कर रहे हैं, एक स्पेशल तरीके से बात कर रहे हैं कि भाई जो क्रिसमस है वो कौन से साल का, पिछले साल का। तो बेटा यहाँ पर एक जनरल क्रिसमस की बात नहीं है, एक विशेष जो क्रिसमस था जो कि पिछले साल का था वो जो क्रिसमस है बेटा वो मेरे लिए प्लीजेंट था। तो बेटा यहाँ पर क्रिसमस का जो यूज है विशेष अर्थ में हुआ है, इसलिए बेटा यहाँ पर हमें द का यूज करना चाहिए था, क्योंकि हमने द का यूज नहीं किया इसलिए बेटा ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया। ये सेंटेंस बेटा कुछ इस तरह से होना चाहिए था, द क्रिसमस ऑफ लास्ट ईयर वॉज प्लीजेंट फॉर मी। तो उम्मीद है बेटा आपको इस वीडियो में नो यूज ऑफ आर्टिकल के रूल नंबर 10 तक के जितने भी रूल्स थे बेटा आपको समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए। तो बेटा रूल नंबर 11 हमें ये कहता है कि आपकी स्क्रीन के बाईं तरफ जो जितने भी आपको शब्द दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, जेल, प्रिजन, मार्केट, तो ये जो कुछ ऐसे शब्द हैं, अगर इनका प्रयोग बेटा आप मुख्य उद्देश्य के लिए करते हैं तब तो बेटा इन शब्दों से पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। यदि इन शब्दों का प्रयोग आप मुख्य उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए करते हैं तो बेटा आपको इन शब्दों से पहले द का यूज करना होगा। अब बेटा मेन समस्या ये है कि इन शब्दों को कब तो हम मुख्य उद्देश्य के लिए प्रयोग करें और कब अन्य उद्देश्य के लिए। तो बेटा इन चीजों को आप एग्जांपल में बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हो। फर्स्ट एग्जांपल है बेटा, ही वाज इल सो ही वेंट टू द हॉस्पिटल, बेटा वो बीमार था इसलिए बेटा वो हॉस्पिटल गया। तो देखो बेटा सबसे पहले हम हॉस्पिटल क्यों जाते हैं, इलाज करवाने के लिए। और इस सेंटेंस को पढ़ने पर भी पता चल रहा है कि जो बंदा बीमार हुआ था ना वो हॉस्पिटल गया है, तो मतलब यहाँ पर हॉस्पिटल का जो यूज है वो मुख्य उद्देश्य के लिए हुआ है ना, क्योंकि वो बीमार था तो अपना इलाज कराने के लिए या इस बीमारी से रिकवर होने के लिए वो हॉस्पिटल गया। तो बेटा हॉस्पिटल से पहले यहाँ पर द का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। और क्यों नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बेटा यहाँ पर हॉस्पिटल जाने का जो उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य था और मुख्य उद्देश्य क्या है बेटा, इलाज करवाना। इसी तरह से यदि हम सेकंड एग्जांपल को देखें तो बेटा इसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ही वेंट टू हॉस्पिटल टू मीट विद हिज फ्रेंड, तो बेटा सीधी सी बात है वो अपने दोस्त से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया। तो बेटा उस व्यक्ति का हॉस्पिटल में जाने का मकसद मुख्य उद्देश्य नहीं था, मुख्य उद्देश्य मतलब इलाज करवाने नहीं जा रहा है वो,
केवल अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहा है, और इसलिए बेटा ऐसी स्थिति में इस हॉस्पिटल शब्द से पहले दे का यूज करना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया। इस वजह से बेटा ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया। अगर हम बात करें थर्ड एग्जांपल की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा ही विल बी रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन, कि वह जेल से छूट जाएगा। तो बेटा सीधी सी बात है, वो जेल गया क्यों? क्योंकि उसने कोई ना कोई अपराध किया होगा, और यहाँ पर छूटने की बात हो रही है। तो बेटा जो रिलीज वर्ड है वो किसी अपराधी के जेल से छूटने पर प्रयोग किया जाता है, इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे प्रिजन से पहले दे का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि बेटा उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया था इसलिए वो जेल गया और अब वो जेल से छूटने वाला है। इसी तरह से फोर्थ एग्जांपल की बात करें, तो बेटा इसमें लिखा हुआ है आई वेंट टू कॉलेज टू कंप्लेन अबाउट माय सन, कि मैं अपने बेटे की कंप्लेन करने के लिए कॉलेज गया। बेटा सबसे पहले आप ये बताइए, कॉलेज क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए। तो ये तो हो गया उसका मुख्य उद्देश्य। लेकिन बेटा ये जो व्यक्ति है जो कि अपने बेटे की कंप्लेन करने के लिए जा रहा है, तो यहाँ पर उसका कॉलेज में जाने का उद्देश्य मुख्य नहीं था। मुख्य मतलब पढ़ने नहीं जा रहा है, वो केवल अपने बेटे की कंप्लेन करने के लिए जा रहा है, और इसलिए बेटा कॉलेज का जो यहाँ पर उद्देश्य था वो मुख्य न होकर अन्य उद्देश्य था, इसलिए यहाँ पर हमें बेटा द का यूज करना था। फिफ्थ एग्जाम्पल है बेटा My friend went to the market to buy vegetables. तो बेटा देखो यहाँ पे हिंदी अर्थ करने पर पता चल रहा है कि मेरा जो दोस्त था वो मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए गया। तो बेटा सीधी सी बात है, हम मार्केट में क्यों जाते हैं? फल फ्रूट्स खरीदने के लिए। और बेटा वो जो दोस्त है मार्केट में वेजिटेबल खरीदने के लिए गया था, इसलिए बेटा मार्केट से पहले दे का यूज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का जो यूज है मुख्य उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, और वो मुख्य उद्देश्य क्या है बेटा? सब्जियां खरीदना। ठीक इसी तरह से यदि हम रूल नंबर 12 की बात करें, तो रूल नंबर 12 हमें ये कहता है बेटा कि यदि दो सिंगुलर संज्ञाएं एंड से जुड़ी हुई हैं और एक ही व्यक्ति के बारे में जानकारी दे रही हैं, तो बेटा आपको ये ध्यान रखना होगा कि केवल पहली संज्ञा से पहले दे का प्रयोग करना होगा। लेकिन एक ही व्यक्ति का बोध न कराकर अलग अलग व्यक्तियों का बोध कराती है, तो बेटा आपको दोनों संज्ञाओं से पहले दे का प्रयोग करना होगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है द प्रिंसिपल एंड द टीचर आर कमिंग, कि भाई जो प्रिंसिपल है और जो टीचर है वो आ रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखने की है कि यहाँ पर प्रिंसिपल और जो टीचर, ये दो संज्ञाएं एंड से जुड़ी हुई है और दोनों से पहले बेटा दे का प्रयोग किया गया है। तो मतलब ये है कि किसी स्कूल में जो प्रिंसिपल है वो भी आ रहा है और उसी स्कूल में जो पढ़ाने वाला टीचर है वो भी आ रहा है। तो ये दोनों अलग अलग बंदे हैं और इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे दे का प्रयोग किया है, और इस स्थिति में बेटा मैंने यहाँ पे आर का प्रयोग भी किया है, क्योंकि ये दोनों बंदे क्या है बेटा? अलग अलग है। प्रिंसिपल अलग है और टीचर अलग है। लेकिन सेकेंड सेंटेंस को पढ़ने के बाद में पता चल रहा है कि मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल से पहले तो दे का प्रयोग किया, लेकिन टीचर से पहले दे का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि मैं ये चाह रहा था इस सेंटेंस के थ्रू आपको ये बताना कि भाई जो यहाँ पे प्रिंसिपल है वही टीचर है। कभी-कभार होता है ना बेटा स्कूल में कि जो प्रिंसिपल होता है वो टीचिंग का काम भी करता है, इसलिए बेटा ये सेंटेंस कुछ इस तरह से ही बनाया गया है। तो बेटा इस सेंटेंस में मैंने जो प्रिंसिपल यानी पहली जो संज्ञा है उससे पहले दे का प्रयोग किया है। मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि भैया आने वाला जो व्यक्ति है वो एक ही है, वही उस स्कूल का प्रिंसिपल भी है और वो उस स्कूल में पढ़ाता है, इसलिए वो टीचर भी है। तो बेटा आने वाला जो बंदा है वो एक ही है, और इसलिए बेटा यहाँ पर मुझे इस का प्रयोग करना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं किया, इसलिए बेटा ये सेंटेंस गलत हो गया। ठीक इसी तरह से यदि बेटा रूल नंबर 13 की बात करें, तो रूल नंबर 13 हमें ये कहता है कि वोकेटिव केस वाली संज्ञाओं से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो बेटा सबसे पहले आप ये समझिए कि वोकेटिव केस वाली संज्ञाएं क्या होती हैं। तो बेटा ऐसी संज्ञाएं जिनको हम संबोधित करके बुलाते हैं या ऊंची आवाज देकर बुलाते हैं, उनको हम बोलते हैं वोकेटिव केस वाली संज्ञा। तो ऐसी जो संज्ञाएं जो कॉमन नाउन के रूप में ज्यादातर प्रयोग की जाती है, तो उनसे पहले बेटा हमें दे का प्रयोग नहीं करना है। मतलब यह है कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे हम एग्जाम्पल में समझें यहाँ पे, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है डोंट स्टे देयर द बॉय, मतलब इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ होगा कि अरे लड़के वहां खड़े मत रहो। तो बेटा सीधी सी बात है, यहाँ पर जो बॉय है वो वोकेटिव केस वाली संज्ञा है और कॉमन नाउन भी है, तो इससे पहले हम बेटा दे का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे दे का प्रयोग कर दिया, इसलिए बेटा ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया। सेकेंड सेंटेंस में है ओ द डियरेस्ट फ्रेंड हाउ आर यू, मतलब अपन कई बार बोलते हैं संबोधित करके या फिर ऊंची आवाज में बोलते हैं अरे सबसे प्यारे दोस्त कैसे हो तुम। तो इस तरह से बेटा यदि हम संज्ञा के लिए बोल रहे हैं, तो मतलब ये है कि बेटा वो संज्ञा जो है वो है वोकेटिव केस में। तो यहाँ पर जो फ्रेंड है ना बेटा, वो फ्रेंड
वोकेटिव केस वाली संज्ञा है और उससे पहले मैंने बेटा दे का यूज कर दिया। अब आप ये भी कह सकते हो बेटा कि यहाँ पर जो डियरेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री में है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले बेटा हमेशा किसका प्रयोग होता है, दे का। तो बेटा आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हो, लेकिन बेटा इस सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग वोकेटिव केस वाली संज्ञा से पहले हुआ है, इसलिए बेटा यहाँ पर दे का प्रयोग नहीं होगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे दे का प्रयोग कर दिया, इसलिए बेटा ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया। इसी तरह से बेटा यदि हम रूल नंबर 14 की बात करें तो रूल नंबर 14 हमें ये कहता है बेटा कि नाउन के बाद में प्रीपोजिशन आए और उस प्रीपोजिशन के बाद में वो सेम नाउन आए जो कि प्रीपोजिशन से पहले आया था, तो ऐसी स्थिति में बेटा हम किसी भी नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब जैसे यहाँ पे ये देखिए विलेज आफ्टर विलेज, तो बेटा आफ्टर क्या है यहाँ पे प्रीपोजिशन है और उससे पहले आने वाली संज्ञा और बाद में आने वाली संज्ञा सेम है। ठीक इसी तरह से बेटा और भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, आप इन्हें अच्छी तरह से देखिए और लर्न करिएगा। अब इस नियम को बेटा हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू एन एंड। तो बेटा सीधी सी बात है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, तो बेटा ये कुछ पैरेलल वर्ड भी होते हैं। जब भी हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं ना कि बिगिनिंग से एंड तक, मतलब शुरुआत से अंत तक, तो उसका इंग्लिश कुछ इस तरह से होता है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो यहाँ पर बेटा मैंने जो एंड है उससे पहले बेटा मैंने एंड का यूज कर लिया और इसलिए बेटा ये सेंटेंस गलत हो गया। अगर हम सेकंड सेंटेंस की बात करें तो सेकंड सेंटेंस कुछ इस तरह से है बेटा कि ही गोज फ्रॉम विलेज टू द विलेज। तो बेटा देखो आप यहाँ पे अच्छी तरह से, यहाँ पर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग हुआ है, उससे पहले विलेज और उसके बाद में भी सेम वही नाउन आ रहा है। तो बेटा ऐसी स्थिति में हमें किसी भी नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना था, क्योंकि मैंने लास्ट वाली जो विलेज है या जो संज्ञा है उससे पहले द का प्रयोग कर लिया, इसलिए बेटा ये सेंटेंस पूरा गलत हो गया। इसी तरह से बेटा हम रूल नंबर 15 की बात करें तो बेटा रूल नंबर 15 हमें ये कहता है कि जितने भी बीमारियां हैं उनके नाम से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब मैंने कुछ बीमारियों के तो यहाँ पे नाम लिख दिए हैं, जैसे डायबिटीज, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, कैंसर, और भी बहुत सारी बीमारियां होती है बेटा, आप उनके नाम याद करने की कोशिश करिएगा। तो इसको चलो बेटा आप एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है बेटा शी वॉज डाइड ऑफ द कैंसर। तो बेटा यहाँ पर जो कैंसर है वो एक बीमारी का नाम है और बीमारी के नाम से पहले हम कभी भी बेटा आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। चूंकि मैंने यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग किया है इसलिए बेटा ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया। लेकिन आपको एक बात हमेशा नोट के रूप में याद रखनी होगी, यदि बीमारी का हम विशेष अर्थ में प्रयोग करते हैं तो बेटा उस बीमारी से पहले हम दे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है द प्लेग ऑफ नेक्स्ट ईयर विल बी डेंजरियस, कि आने वाले साल में जो प्लेग होगा वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो बेटा ये जो बीमारी है हम एक जनरल तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल और केवल आने वाले वर्ष के प्लेग के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटा इसलिए यहाँ पर जो प्लेग शब्द है उसका प्रयोग विशेष अर्थ में हुआ है और इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे दे का प्रयोग किया है। तो बेटा रूल नंबर 16 हमें ये कहता है कि मैन और विमेन का प्रयोग व्यापक अर्थ में होने पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यदि विशेष अर्थ में आप इनका प्रयोग कर रहे हैं तो बेटा आपको आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। जैसे एग्जांपल में हम देखें, फर्स्ट एग्जांपल है बेटा द मैन इज मोर्टल, तो इसका हिंदी अर्थ है बेटा कि मनुष्य जो है वो मरणशील है, नश्वर है बेटा, मतलब मनुष्य ने यदि जन्म लिया है ना तो उसको एक न एक दिन मरना होगा। तो बेटा यहाँ पर जो मैन का प्रयोग है वो विशेष अर्थ में नहीं हुआ है, मैन का मतलब यहाँ पर बेटा सभी मनुष्य से लिया गया है, इसलिए यहाँ पर इसका प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, विशेष अर्थ में नहीं हुआ है, इसलिए बेटा यहाँ पर दे का प्रयोग करने की वजह से ये पूरा सेंटेंस गलत हो गया। तो बेटा ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था मैन इज मॉर्टल। इसी तरह से बेटा सेकंड एग्जांपल है द वुमन हु लिव्स हियर इज अ टीचर। तो बेटा देखिए यहाँ पे मैंने वुमन शब्द का प्रयोग किया है और उससे पहले बेटा दे का यूज कर डाला है। क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ पर जो वुमन है उसका विशेष अर्थ में प्रयोग हुआ है। अब आप बेटा ये भी कह सकते हो कि सर आपको पता कैसे चला कि इसका विशेष अर्थ में प्रयोग हुआ है? तो बेटा जो वुमन शब्द है वो सभी महिलाओं के लिए यूज में नहीं लिया गया है, वो केवल उस औरत के लिए यूज में लिया गया है जो कि बेटा लिव्स हेयर, जो कि कहाँ रहती है, यहाँ पर। तो वो क्या है बेटा? एक टीचर है। तो ये स्पेशल लेडी के बारे में या स्पेशल औरत के बारे में बात की गई है, इसलिए बेटा हम इससे पहले दे का यूज कर सकते हैं। और हाँ बेटा, वुमन से पहले आप आवश्यकता अनुसार ए का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से बेटा यदि हम रूल नंबर 17 की बात करें तो इसमें मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे नेचर, लाइफ, डेथ,
फ्रीडम, लव। तो ये 5-6 शब्द ऐसे कुछ हैं बेटा जिनका प्रयोग यदि सामान्य अर्थ में होता है, मतलब सभी के लिए होता है ना, तो बेटा हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन वही बात विशेष अर्थ में हम इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल है बेटा, नेचर लुक्स ब्यूटीफुल इन ऑटम सीजन। तो बेटा इसका हिंदी अर्थ यह है कि जो प्रकृति है वो बसंत ऋतु में बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। तो बेटा यहाँ पर इसका यूज सामान्य अर्थ में हुआ है, कोई विशेष अर्थ में हमने नहीं किया है। सेकेंड एग्जाम्पल है बेटा, इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947। तो बेटा इंडिया जो है वो 1947 में आजाद हुआ था। तो यहाँ पर भी बेटा जो फ्रीडम शब्द है उसका प्रयोग सामान्य अर्थ में है। थर्ड एग्जाम्पल की तरफ हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है द नेचर ऑफ समर इज नॉट गुड। तो बेटा जो यहाँ पर नेचर की बात कर रहे हैं ना, हम केवल सामान्य नेचर की बात नहीं कर रहे हैं, केवल विशेष नेचर की बात कर रहे हैं जो कि समर सीजन में होती है। तो बेटा वो जो नेचर है वो अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि बेटा गर्मियों के टाइम में जो मौसम होता है ना वो सुहाना मौसम भी नहीं होता और चिपचिपा सा मौसम होता है, इसलिए जो उस टाइम की नेचर है वो बहुत ही अच्छी नहीं होती है। और इसीलिए बेटा मैंने नेचर से पहले द का यूज किया है, क्योंकि नेचर शब्द का प्रयोग यहाँ पर विशेष अर्थ में किया गया है। इसी तरह से बेटा यदि हम रूल नंबर 18 की बात करें ना, तो इसमें ये कहा गया है कि बाई के बाद में यदि किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का नाम आए तो बेटा उस ट्रांसपोर्टेशन के नाम से पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है आई ट्रेवल बाई द ट्रेन। तो बेटा इसका हिंदी अर्थ होगा मैं ट्रेन के द्वारा यात्रा करता हूँ या ट्रेन में बैठकर यात्रा करता हूँ। तो बेटा देखिए यहाँ पर बाई प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद में बेटा एक नाउन आ रहा है जो कि मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब यातायात का साधन है। तो बेटा इस ट्रेन से पहले हम द का यूज नहीं करेंगे, द का यूज कर दिया, इसलिए बेटा ये जो फर्स्ट सेंटेंस है वो बिल्कुल गलत है। इसी तरह से यदि हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है बेटा दे केम फ्रॉम मुंबई बाय एन एरोप्लेन। तो बेटा देखो बाई प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद में बेटा मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है एरोप्लेन। तो वैसे तो बेटा आपको पता है एरोप्लेन से पहले हम एन का यूज करते हैं, आपने काफी बार पढ़ा भी होगा, कई बुक्स में देखा भी होगा, लेकिन बेटा यहाँ पर जो एरोप्लेन है वो बाई प्रीपोजिशन के बाद में आया है, इसलिए बेटा एरोप्लेन से पहले हम एन का यूज नहीं करेंगे। क्योंकि बेटा मैंने यहाँ पर एन का यूज कर डाला, इसलिए बेटा ये सेंटेंस पूरा का पूरा गलत हो गया। ठीक ऐसे ही बेटा यदि हम रूल नंबर 19 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है निम्न शब्दों के बाद आने वाली जो संज्ञा होगी उससे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब वो शब्द कौन से है बेटा, द पोस्ट ऑफ, द पोजिशन ऑफ, द रैंक ऑफ, द जॉब ऑफ। अब इसको बेटा हम एग्जाम्पल के थ्रू अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं बेटा। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही वॉज अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ द हेड मास्टर। तो बेटा देखिए यहाँ पर द पोस्ट ऑफ का प्रयोग हुआ है और इसके बाद जो संज्ञा आ रही है बेटा वो है हेड मास्टर। तो बेटा हेड मास्टर से पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, द का यूज किया है, मतलब आर्टिकल का प्रयोग कर डाला, इसलिए बेटा ये सेंटेंस पूरा गलत हो गया। ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए था ही वॉज अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ हेड मास्टर। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल है बेटा ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ डीएसपी। तो बेटा इसका हिंदी अर्थ होगा कि उसका जो प्रमोशन है वो डीएसपी रैंक पर हो गया है। तो बेटा यहाँ पर द रैंक ऑफ शब्द का प्रयोग हुआ है और इसके बाद में जो नाउन आ रहा है डीएसपी, इससे पहले मैंने किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, इस वजह से बेटा ये पूरा का पूरा जो सेकंड सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। इसी तरह से बेटा यदि हम रूल नंबर 20 की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि दिन, महीने, वर्ष और ऋतुओं के नाम से पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन बेटा आपको विशेष अर्थ का ध्यान रखना होगा। मतलब इन चारों शब्दों का प्रयोग यदि हम विशेष अर्थ में कर रहे हैं तो बेटा फिर हमें इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग करना होगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बेटा। फर्स्ट एग्जाम्पल है दे वर बोर्न इन मार्च 2006। तो बेटा देखिए यहाँ पर मार्च मंथ का नेम है और 2006 बेटा ईयर का नेम है। इन दोनों से पहले मैंने बेटा किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है और इसलिए बेटा ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। सेकंड एग्जाम्पल है बेटा द मंडे ऑफ लास्ट वीक वॉज नॉट सो प्लीजेंट। तो बेटा आप मुझे बताइए मंडे क्या है, दिन का नाम है, इससे पहले मैंने द का प्रयोग किया है, इसके बावजूद भी बेटा ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है। अब ये सही क्यों है बेटा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और बेटा एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप वीडियो देखते हैं और जब मैं आपको कहूँ कि आप इस चीज के बारे में मुझे कमेंट करके बताइए, तो बेटा आपको कमेंट करके बताना चाहिए। इससे क्या होगा कि मुझे पता चल जाएगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मेरा वीडियो देखा है और उन्होंने मेरे द्वारा पूछे गए जो प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा है। इससे क्या होता है बेटा, थोड़ा सा पॉजिटिव फील होता है एक टीचर को भी कि चलो मैं जिन बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ ना, वो बच्चे आखिरकार मेरा वीडियो देखकर अपना नॉलेज गेन तो कर रहे हैं ना कम से कम।
तो उम्मीद है बेटा इस वीडियो में आपको और रूल नंबर 20 तक जितने भी रूल बताए गए थे वो समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है बेटा तो आप मुझे कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।